तो रामचरित मानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा एक मस्जिद में लिखा गया था। रितलाल यादव दानापुर के विधायक हैं, बोले हैं रामचरित्र मानस मस्जिद में लिखा गया है, क्या कहेंगे? अब गधे लोग कमी थोड़ी ना है, पूरा मतलब इंडिया में काफी लोग गधे हैं। ये लोग का पॉलिटिकल एजेंडा है बस, और कुछ नहीं, समझे? शिक्षा मंत्री भी बोले हैं बस न्यूज में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं। चरवाहे फैक्ट्री के एक चरवाहा है जो अनपढ़ों की अनपढ़ों के तादाद में वो एक अनपढ़ उस टाइम में जन्म था। बोले तो हैं, बोले नहीं देखे हैं, पता करिए उनसे। वो हिंदुत्व के नाम पर एक कलंक है, हिंदुत्व हमारा है, शान है रामचरितमानस। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और विगत कई महीनों से बिहार की बागडोर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के हाथों में, लेकिन बिहार में जो मुद्दे पे बात होना चाहिए, लेकिन हालिया कुछ महीनों पे रामचरितमानस पे जो लगातार हाय तौबा मची हुई है। बिहार के शिक्षा मंत्री विगत कुछ महीने पूर्व ये बोले थे कि रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है। अब देखिए कि जो दानापुर के विधायक है रीतलाल यादव, उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया। इसमें आम जनता क्या सोचती है, उन तमाम जनता से हम पूछेंगे और बात करेंगे कि उनके बयानों को किस प्रकार से देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री और दानापुर के जो विधायक है रीतलाल यादव, एक बोलते हैं कि नफरत का ग्रंथ है रामचरितमानस, दूसरे ने बोला है मस्जिद में लिखा गया है, क्या कहेंगे उनके बयानों पे? कौन बोल रहा है कि मस्जिद में लिखा गया है? रीतलाल यादव बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है, बस रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस हिंदुओं का ग्रंथ है। जी अच्छा, इस पर किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उनके इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं? केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं बस। रामचरितमानस को लेके ये बोले हैं कि मस्जिद में लिखा गया रामचरितमानस, रीतलाल यादव बोले हैं, क्या कहिएगा उनके बयान को? शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है नफरत का ग्रंथ है, क्या कहेंगे? नहीं, वो ग्रंथ है हिंदू धर्म में लिखा हुआ। कि आप मानते हैं किस तरह का बयान देना चाहिए? गलत है। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को आप? तब बोलेंगे कि अपना धर्म तो सुधारिए, और क्या, अपना धर्म को संभालिए, दूसरे का धर्म के बारे में क्यों बुराई करेंगे? खुद तो वो हिंदू हैं, दोनों हिंदू तो है। हिंदू हैं, अपना धर्म संभालिए, दूसरे को धर्म। हिंदू तो मतलब नहीं है उन लोगों को, अपना राजनीतिक रोटी बस, और कुछ नहीं। तो इस पे तो कार्रवाई ना होना चाहिए? तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार, सरकार कुछ नहीं बोल, सरकार उन लोगों की, वो लोग कुछ भी करेंगे उनको भी कोई नहीं टच कर सकता है। हिंदू का जो ग्रंथ है वो मस्जिद में कैसे लिखा जाएगा? रीतलाल यादव तो बोल दिए, विधायक भी है। विधायक है तो उसके पास दिमाग नहीं है ना, होगा पढ़े लिखे बेवकूफ़ होंगे। भगवान के अगर रामचरितमानस कौन लिखे थे आप बताइए, कौन लिखे थे? आप नहीं जानते हैं, तुलसीदास जी लिखे थे, तो फिर कैसे बोल देंगे ये बात गलत? का बयान सही लगता है? नहीं, ये गलत है, ये बहुत बड़ा गलत है। ये इतना अभद्र कैसे बोल दिया कि मस्जिद में लिख दिया, ये गलत बात है। माफ़ी मांगना चाहिए, पूरा माफ़ी मांगना चाहिए। जय श्री राम जो ये मोदी जी का नारा है उसके हिसाब से ये पूरा गलत है। देखिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। सर एक मामला है, रीतलाल यादव ने कहा है कि रामचरितमानस जो है वो मस्जिद में लिखा गया और शिक्षा मंत्री इसको नफरत का ग्रंथ बता रहे हैं। इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये बोल रहे हैं तो आप बात कीजिए। देखिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। अच्छा एक मामला है, एक बात पूछना था। दानापुर के जो विधायक हैं रीतलाल यादव, वो बोले हैं कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया, क्या लगता है कि ऐसा बयान? उनको नहीं आइडिया। देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, तमाम चीज़ों को समझेंगे। पटना के ही रहने वाले हैं सर आप? जी। रीतलाल यादव दानापुर के विधायक हैं, बोले हैं रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया है, क्या कहेंगे? अब गधे लोग कमी थोड़ी ना है, पूरा मतलब इंडिया में काफ़ी लोग गधे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे लोगों को? बिल्कुल मांगना चाहिए। देखिए लगातार लोगों में, अच्छा दानापुर के विधायक बोले हैं कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया, कि ये लोग का पॉलिटिकल एजेंडा है बस, और कुछ नहीं, समझे? शिक्षा मंत्री भी बोले हैं बस न्यूज में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए ना, कार्रवाई इन्हीं का सरकार है तो कौन करेगा। देखिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। सर रीतलाल यादव एक विधायक हैं दानापुर के, वो बोले हैं कि रामचरितमानस जो है, रुक जाइए, वो मस्जिद में लिखा गया, क्या कहेंगे? उठे उस टाइम में जन्म था उनका, उस टाइम में जन्म था। बोले तो हैं, बोले नहीं देखे हैं, पता करिए उनसे कि उठे, हो सकता पुनर्जन्म होगा रीतलाल यादव का। शिक्षा मंत्री बोले थे कि ये लोग, ये ग्रंथ जो है नफरत का ग्रंथ है, वो भी कुछ महीने पहले बोले थे,
क्या कहिएगा कि मंत्री विधायक इस तरह से बोल रहे हैं? हिंदू हैं क्या बोलते हैं पता नहीं, पता नहीं लगता है। माफी मांगना चाहिए, अब क्या कहें, ईश्वर से डर तो सबको है। आप क्या सोचते हो, बयानों को किस प्रकार से लेते हैं? हम तो अब बजरंगबली से पूछेंगे, बजरंगबली इंसाफ करेंगे, मंदिर में हैं आप, हम भी हैं, बजरंगबली बताएंगे। चरवाहे फैक्ट्री के एक चरवाहा है जो अनपढ़ों की अनपढ़ों के तादाद में वो एक अनपढ़ बोले हैं, मस्जिद में लिखा गया है, मस्जिद में लिखा है, तो उसका दादा परदादा भी है ना, तो वो भी बोल दें मस्जिद में लिखा हुआ है, वो हिंदुत्व के नाम पर एक कलंक है, हिंदुत्व हमारा है, शान है रामचरितमानस, क्यों हम इस पर टिप्पणी करेंगे? शिक्षा मंत्री बोले थे, अरे शिक्षा नफरत का ग्रंथ, अरे शिक्षा मंत्री ये भी बोले थे दिल्ली जैसा व्यवस्था हम लाएंगे, कहाँ लाए, अगस्त से हुआ ना, एक साल तो होने वाले हैं बिहार में तो सरकार मनाने में, एक साल तो होने वाले हैं, अभी तक लाए क्या? दिल्ली जैसा शिक्षा व्यवस्था लाने वाले थे। सीधे तौर पर उनका मानना है कि जिस प्रकार से वर्तमान में जो मंत्री और विधायक ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया उसके लिए कहीं ना कहीं माफ़ी वो मांगे। रोहित दर्शनी पटना।